यह सच है कि रंगों की एक भाषा होती है, लैंग्वेज, या यूं कहे कि एक कवि जो अपने कविता के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। ये रंग ही चीजों की पहचान होती है, और अगर ये मिल जाए तो बनाती है एक चित्रकला। हमारा देश इन्हीं रंगों में सना एक चित्रकला है, जिसे कुदरत ने फुर्सत में बनाया है। जैसे जैसे साल बीतते हैं ये नया होता जाता है, जैसे ना मरने की कसम खाली हो। यूं ही देश के बाएं कोने में बसा एक रंग गुजरात का, जहां चांद खुद जमीन पे आता है कच्छ की गोद में, जहां की नवरात्रि में दुर्गा कण कण में बसती है, जहां राजा महाराजाओं की गाथाओं पे बच्चे बड़े हुआ करते हैं, जहां के नमक में है गांधी जी की यादें, जहां के भुज में बसते हैं लाखों कलाकार जो गुजरात के रंगों को हर रोज नया करते हैं, जहां के गलियों में पनपते हैं कला के बीज, जहां हर दहलीज पे झूलते हैं रिवाजों के झूले। यूं ही लाखों घरों में से एक घर है गफूर भाई का, या यूं कहें कि आखिरी चिराग जिसने रोगन की लौ को जलाए रखी है। गफूर भाई यूं तो इस्लामिक धर्म से ताल्लुक रखते हैं, जिसे वो बखूबी मानते भी, सारे रीति रिवाज धर्म सबका ठीक ठीक ख्याल रखा है उन्होंने। गुजराती में एक कहावत है, मोर ने इंडा चितरवा ना पड़े, मतलब जो चीज परंपरा में है, खून में है, उसको सिखाने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। फिर डिपेंड करता है उसका निजी इमेजिनेशन और इंटरेस्ट कितना है, तो वो मेरे खून में था। तो जहाँ पर स्टोन कार्विंग है, डिजाइन है, तो वहां रुक जाता हूँ, वो जगह को मैं ज्यादा पसंद करता हूँ, चाहे वहां कुछ भी ना हो। तब शुरुआत इसकी पर्शिया से हुई है, क्योंकि जो रोगन जो शब्द है वो ऑयल बेस से ताल्लुक रखता है, और पर्शियन लैंग्वेज में उसको रोगन कहा गया जो ऑयल बेस है। हमारे परिवार में हमारे पास जो इतिहास है वो 300 साल का है, और हमारा जो लड़का है वो 8वां पीढ़ी है, तो 300 साल से हमारे परिवार में ये पारंपरिक रूप से ही काम होता है। राज्य सरकार ने यह तय किया कि राहत कार्य जो होता है गांव में, तो उसमें हस्तकला को समाया जाए। ऐसे में उन्होंने हमें ऑफर की थी, तब मैं बम्बई था, और मेरे दादाजी ने चाहा कि ये आ जाएगा तो ये कला जिंदा रह सकती है, और मैंने उनका कहा माना, तय कर लिया कि अभी जो मेरी लाइफ है उसका समर्पण इसी में कर, उसके आगे कुछ नहीं। अपना इमेजिनेशन से इसको इम्प्रूव किया 85 से, और ऐसे करते करते छोटे मोटे एग्जीबिशन में गए, लोगों ने देखा, वहां पर अप्रिशिएट किया, हौसला थोड़ा और बड़ा, ऐसे करते करते फिर अवार्ड का, स्टेट अवार्ड, डिस्ट्रिक्ट अवार्ड, फिर नेशनल अवार्ड, ऐसे करते करते हम आगे बढ़े। कि मोदी जी को मैं ये श्रेय देना चाहता हूँ, क्योंकि जब CM थे और मेरी मुलाकात 2008 में उनसे हुई, तब मैंने एक छोटा सा प्रतीक के रूप में ट्री ऑफ लाइफ उनको गिफ्ट किया, और सबसे बड़ा जो अभी पब्लिसिटी मिला है वो जो अमेरिका के दौरे पर 2014 में गए, तब ट्री ऑफ लाइफ का 2 खास पीस हमसे मंगवाया, और ओबामा साहब को वहाँ व्हाइट हाउस पे गिफ्ट किया। जो फॉरेन से आने वाले लोग हैं वो यहाँ की परंपरा, संस्कृति सब कुछ देखना चाहते हैं, जज्बा रखते। ये परिवार एक रंग है उन हजारों रंगों में जो गुजरात के नक्शे को खूबसूरत बनाती है, और ये कला बिल्कुल रंगों का जादू, जिसे बनने को जमीन चाहिए ना आसमान। रोगन को इस परिवार ने बहुत लगन से सींचा है, दिल के नसों में दौड़ती है रोगन जैसे इनके, इसीलिए तो एक एक रंग, एक एक बारीकी ये कहानी कह पाते। जब रोगन का पहला कतरा हथेलियों पे घूमता है तो वो सींचता है, ढालता है खुद को, जैसे अड़ गए हो ये खुद को बनाने के लिए, और फिर जब
उंगलियों के ताल पे जब ये घूमते हैं तो ना जमीन देखते हैं ना आसमान। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आर्ट को महसूस कर सकते हैं। हाँ, ये सच है। ये सिर्फ कपड़े पे बना एक पेंटिंग नहीं, ये उनके जज्बात हैं जो सीधा दिल से निकल के हाथों के जरिए कपड़े पे बिखरते हैं। ये जो कुछ दिन हमने गफूर भाई और उनके परिवार के साथ बिताए, ये शायद हमारी खुश नसीबी थी जो इनसे और रोगन जैसे कला से हमारा रिश्ता बना और हम जुड़ पाए। ये सच है कि रंगों की एक भाषा होती है, लैंग्वेज, या यूं कहे कि एक कवि जो अपने कविता के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। ये रंग ही चीजों की पहचान होती है और अगर ये मिल जाए तो बनाती है एक चित्रकला। हमारा देश इन्हीं रंगों में सना एक चित्रकला है जिसे कुदरत ने फुर्सत में बनाया है। जैसे जैसे साल बीतते हैं ये नया होता जाता है, जैसे ना मरने की कसम खाली हो। यूं ही देश के बाएं कोने में बसा एक रंग गुजरात का, जहां चांद खुद जमीन पे आता है कच्छ की गोद में, जहां की नवरात्रि में दुर्गा कण कण में बसती है, जहां राजा महाराजाओं की गाथाओं पे बच्चे बड़े हुआ करते हैं, जहां के नमक में है गांधी जी की यादें, जहां के भुज में बसते हैं लाखों कलाकार जो गुजरात के रंगों को हर रोज नया करते हैं, जहां के गलियों में पनपते हैं कला के बीज, जहां हर दहलीज पे झूलते हैं रिवाजों के झूले। यूं ही लाखों घरों में से एक घर है गफूर भाई का, या यूं कहें कि आखिरी चिराग जिसने रोगन की लौ को जलाए रखी है। गफूर भाई तो इस्लामिक धर्म से ताल्लुक रखते हैं, जिसे वो बखूबी मानते भी, सारे रीति रिवाज धर्म सबका ठीक ठीक ख्याल रखा है उन्होंने। गुजराती में एक कहावत है, मोर ने इंडा चितरवा न पड़े, मतलब जो चीज परंपरा में है खून में है उसको सिखाने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, फिर डिपेंड करता है उसका निजी इमेजिनेशन और इंटरेस्ट कितना है। तो वो मेरे खून में था, तो जहाँ पर स्टोन कार्विंग है डिजाइन है तो वहाँ रुक जाता हूँ, वो जगह को मैं ज्यादा पसंद करता हूँ चाहे वहाँ कुछ भी ना हो। तब शुरुआत इसकी परसिया से हुई है, क्योंकि जो रोगन जो शब्द है वो ऑयल बेस से ताल्लुक रखता है और पर्शियन लैंग्वेज में उसको रोगन कहा गया जो ऑयल बेस है। हमारे परिवार में हमारे पास जो इतिहास है वो 300 साल का है और हमारा जो लड़का है वो 8वां पीढ़ी है, तो 300 साल से हमारे परिवार में ये पारंपरिक रूप से ही काम होता है। राज्य सरकार ने ये तय किया कि राहत कार्य जो होता है गांव में तो उसमें हस्तकला को समाया जाए, ऐसे में उन्होंने हमें ऑफर की थी। तब मैं बम्बई था और मेरे दादाजी ने चाहा कि ये आ जाएगा तो ये कला जिंदा रह सकती है, और मैंने उनका कहा माना, तय कर लिया कि अभी जो मेरी लाइफ है उसका समर्पण इसी में कर, उसके आगे कुछ नहीं। अपना इमेजिनेशन से इसको इम्प्रूव किया 85 से, और ऐसे करते करते छोटे मोटे एग्जीबिशन में गए, लोगों ने देखा, वहां पर अप्रिशिएट किया, हौसला थोड़ा और बड़ा, ऐसे करते करते फिर अवार्ड का, स्टेट अवार्ड, डिस्ट्रिक्ट अवार्ड, नेशनल अवार्ड, ऐसे करते करते हम आगे बढ़े। फिर मोदी जी को मैं ये श्रेय देना चाहता हूँ, क्योंकि जब सीएम थे और मेरी मुलाकात 2008 में उनसे हुई, तब मैंने एक छोटा सा प्रतीक के रूप में ट्री ऑफ लाइफ उनको गिफ्ट किया, और सबसे बड़ा जो अभी पब्लिसिटी मिला है वो जो अमेरिका के दौरे पे 2014 में गए, तब ट्री ऑफ लाइफ का 2 खास पीस हमसे मंगवाया और ओबामा साहब को वहाँ व्हाइट हाउस पे गिफ्ट किया।
जो फॉरेन से आने वाले लोग हैं वो यहाँ की इस परंपरा संस्कृति सब कुछ देखना चाहते हैं, लेकिन आने वाला निरो ना आ जाएंगे। गफूर भाई का घर कहाँ है? रोगन जैसी कला जिसे दुनिया शायद नामुमकिन मान चुकी थी, इसमें ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो उसे अकेले दम पे करने का जज्बा रखते हैं। ये परिवार एक रंग है उन हजारों रंगों में जो गुजरात के नक्शे को खूबसूरत बनाती है, और ये कला बिल्कुल रंगों का जादू जिसे बनने को जमीन चाहिए ना आसमान। रोगन को इस परिवार ने बहुत लगन से सींचा है, दिल के नसों में दौड़ती है रोगन जैसे इनके, इसीलिए तो एक एक रंग एक एक बारीकी ये कहानी कह पाते। जब रोगन का पहला कतरा हथेलियों पे घूमता है तो वो सींचता है, ढालता है खुद को, जैसे अड़ गए हो ये खुद को बनाने के लिए। और फिर जब उंगलियों के ताल पे जब ये घूमते हैं तो ना जमीन देखते हैं ना आसमान। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आर्ट को महसूस कर सकते हैं, हाँ ये सच है। ये सिर्फ कपड़े पे बना एक पेंटिंग नहीं, ये उनके जज्बात हैं जो सीधा दिल से निकल के हाथों के जरिए कपड़े पे बिखरते हैं। ये जो कुछ दिन हमने गफूर भाई और उनके परिवार के साथ बिताए, ये शायद हमारी खुश नसीबी थी जो इनसे और रोगन जैसे कला से हमारा रिश्ता बना और हम जुड़ पाए।